Hey everyone, welcome to our channel हिमाचली ब्लॉगर। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज हमारे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल इवेंट स्टार्ट हो रहा है जो कि लगभग 8 दिन के आसपास चलेगा। और ये स्पिरिचुअल इवेंट जो है, इसमें हम लोग यहाँ पे कथा करवा रहे हैं श्री हरिवंश महापुराण की। तो श्री हरिवंश महापुराण जो है वो 18 महापुराणों में से एक है। और यहाँ इस मंदिर में लगातार पिछले 20 से 25 सालों से हर साल कथा हो रही है। तो इस साल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट पुराण चूज किया गया, श्री हरिवंश महापुराण। सो ये 8 दिन का इवेंट है और डेली कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे ब्लॉग्स चढ़ाते रहेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी हमारे शॉर्ट्स या फिर वीडियोस आएंगे वो आपके पास इजीली जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देख सकते हैं ये स्टेज है हमारी, और यहीं पे ही कथावाचक जो हैं वो कथा सुनाएंगे हम लोगों को। और जितनी भी संगत है वो सारी की सारी मंदिर के इस हिस्से में बैठेगी। पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो संगत को बैठने के लिए है, और जो लोग बैठ नहीं सकते जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए चेयर्स का भी इंतजाम किया हुआ है। सो राधा कृष्ण मंदिर की तैयारी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे क्या बोलूं कलाकार हमारे कलाकार, स्पेशल हेल्प कलाकार, जो भी कपड़े आप देख रहे हो ना देवी देवताओं के ऊपर, हर साल इन्हीं की ड्यूटी लगी हुई है। हर साल ब्रांडेड कपड़े देवी देवताओं के लिए आते हैं, और साथ में आप देख सकते हो कि पूरा चमका दिया है उन्होंने भगवान जी को, और ये पूरा मेकअप का सामान इनका अभी काम जा रही है, अभी काम जा रही है, तो फिनिशिंग करनी है। ओके, ठीक है, तो फाइनल लुक फिर बाद में बनाएंगे। फाइनल ठीक है, तो शाम को जब दोबारा हम शूट करेंगे तो सारे देवी देवताओं के द्वार से दर्शन करवाएंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय। अभी आपको बाहर से मंदिर की लुक दिखा देते हैं। तो ये है पूरा का पूरा मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और हमारे सारे जो बुजुर्ग है वो पूरी सेवा में लगे हुए हैं। पिछले 3 दिन से नॉनस्टॉप यहाँ पे काम कर रहे हैं सारे मिलके, और आपको भजन कीर्तन भी करते हैं। तो आपको दिखाएंगे रात को भजन कीर्तन भी यहाँ पे, और 3:30 बजे के आसपास कथा भी होगी, तो वो भी आपको हम लोग दिखाएंगे। है ना,